तो बरसूंगा नहीं ध्यान रखना, ठीक है, ये सब सेवा का काम है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अचानक महर्षि दयानंद सरस्वती जिला चिकित्सालय मथुरा का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी नवनीत सिंह चहल भी उनके साथ मौजूद रहे। आपको बता दें कि जिला अस्पताल का निरीक्षण जिला अधिकारी द्वारा किया जाना था, लेकिन अचानक ऊर्जा मंत्री भी अस्पताल पहुँच गए। ऊर्जा मंत्री को अचानक जिला अस्पताल में देख कर डॉक्टरों और स्टाफ में खलबली मच गई। अचानक निरीक्षण पर पहुंचे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को अस्पताल का हाल बेहाल मिला। उन्हें तमाम अव्यवस्थाएं मिली जिन्हें देखकर वो आग बबूला हो गए। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं को देखकर नोडल अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई। देखिए, जो एलिजिबल लोग हैं उनको वैक्सीन लगे, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती तक टीका उत्सव का अभियान चल रहा है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टीका उत्सव के अभियान से जुड़े और जो एलिजिबल लोग हैं उनको, सभी लोगों को टीका लगे, ये सुनिश्चित हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। हमारे सभी डॉक्टरों की टीम लगातार काम कर रही है और जो आने वाले हैं, जो यहाँ टीका के लिए आ रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ना आए, उनको पानी मिले पीने के लिए और कोई असुविधा उनको ना हो, ये भी हमारे सब अधिकारी सुनिश्चित कर रहे हैं। सर, कई जगह देखने को खामियां भी मिल रही हैं, जैसे अस्पताल में मरीज आते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती है, कोविड की वैक्सीन लगाने के लिए उन्हें काफ़ी समय तक बैठ। अभी सब डिस्प्ले यहाँ कराने के लिए हमने आदेशित किया है और कौन से फ्लोर पर 45 साल से ऊपर के जो हमारे लोग हैं उनका वैक्सीनेशन हो रहा है, कहाँ पर सेकेंड डोज की जो व्यवस्था है वो कहाँ पर है, वो पूरी व्यवस्था आने वाले अभी देखेंगे 4-5 घंटे में, ये सब डिस्प्ले बाहर आपको देखने को मिलेगा। वहीं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने नगर मजिस्ट्रेट जवाहरलाल को जिला अस्पताल का प्रतिदिन निरीक्षण कर अव्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि ऊर्जा मंत्री के औचक निरीक्षण के बाद महर्षि दयानंद सरस्वती जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं आगे सुचारू चलेंगी या फिर ऊर्जा मंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।